अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे और हिफ्ज़ोमान में रखे, आमीन। हर तरह की बीमारियों परेशानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी दुआओं में याद रखा करें आप लोग। तो क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में। यहाँ तो आप देख सकते हैं कि मैं कस्टर्ड बना रही थी, तो बस यहाँ पर जो है रफ़ान का कस्टर्ड था जो कि आसानी से मिल गया था, और जेली थी। तो बस यहाँ पर जो है ये दावत की प्रिपरेशन थी, जिसका ये पार्ट वन है। पार्ट थ्री आएंगे इसके दावत के, तो आपने वो पूरे देखने हैं व्लॉग। तो बस यहाँ पर ये पार्ट वन था। इसमें जो है मैं कस्टर्ड को बना रही हूँ और आप लोग के साथ जो है शेयर कर रही हूँ। तो बस दूध को यहाँ पे बॉईल होने मैंने रख दिया था, और कस्टर्ड को घोलने के लिए मैंने दूध जो है प्याली में निकाल लिया था। यहाँ पर ये मैंने ऊतरा मिल्क यूज़ किया था, और ये फ्राई पैन था, यहाँ पर फिश डेरा कहते हैं इसे। और यहाँ पर ये मैं जेली बनाने की तैयारी कर रही थी। इसमें जो है जेली मेरे पास रखी थी, कस्टर्ड भी रखा हुआ है पाउडर। तो बस अभी ये जो है यूज़ होगा रमज़ान में, और जो है ईद वगैरह पर ही इस तरह ही चीज़ें बनाती हूँ तो यूज़ करती हूँ, या किसी की दावत में। तो बस इस तरह से यहाँ पर जो है ये यूज़ हो जाएगा। आप लोग को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करा करें, बेल आइकन को प्रेस भी किया करें। और यहाँ पर जो है फ्रेंड की दावत थी, उम्रे से आई थी वो, तो बस उनकी दावत थी यहाँ पर। तो मैंने कहा क्यों ना जो है दावत की जाए और अच्छे से जो है प्रिपेयर किया जाए। कस्टर्ड वगैरह बना रही थी और बिरयानी बनाई थी, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, सिंपल सा ही सब कुछ रखा था। तो बिरयानी थी, कबाब थे, और जो है जेली थी। तो ये कस्टर्ड बना रही थी, इसकी जेली जो है मैंने ये चूल्हे पर रख दी थी। और यहाँ पर ये मेरा ओवन था जो कि मैंने अभी अभी न्यू घर में आते ही परचेज़ किया है। कैसा लगा कैसा नहीं कॉमेंट्स में आप लोगों ने बताना है, और मुझे भी दुआओं में याद रखना है, अपने आसपास वालों के लिए भी दुआ करनी है। तो बस यही चलता रहता है। अच्छा लगता है जब कोई घर आता है तो अच्छे से इसके लिए तैयारी करना भी अच्छा लगता है। तो बस कौन कौन जो है इस तरह पसंद करता है लोगों की दावत करना, बुलाना घर पे। तो बस यहाँ पर जो है मैं ज़्यादा मुझसे काम नहीं हो पाते, तो बस यही होता है कि मेरे साथ मैट जो है हेल्प करती है मेरी, तो बस काम हो जाता है, काम कर लेती हूँ। तो आप लोग की लाइफ में क्या चल रहा है, रमज़ान आ रहे हैं, किस किस को रमज़ान का वेट है। ये व्लॉग जो है थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ मैं, क्योंकि दावत तो मैंने पहले कर ली है, और व्लॉग जो है अभी थोड़ा लेट अपलोड करूँगी, क्योंकि जो है मेरा माइक जो था, मैंने बताया था रिकॉर्डिंग माइक मेरा टूट गया था, आइजल ने ख़राब कर दिया था। तो बस अभी जो है न्यू आया है, तो बस मैंने कहा कि अब जो है आप लोग के साथ शेयर हो करूँ मैं जो भी कर रही हूँ डेली व्लॉग में। इंशाल्लाह अब जो है कंटिन्यू रखूँगी और आप लोग के साथ जो है शेयर करती रहूँगी। आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, और जो है बस आप लोग की सपोर्ट चाहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे कुछ नहीं होता, लाइक सब्सक्राइब से पैसे नहीं मिलते, कोई भी ऐसा कुछ कहानी नहीं है। तो बस इंशाल्लाह जो है मेरा चैनल फिर से ग्रो करेगा, और आप लोग हेल्प करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को। बस इससे ये है कि चैनल ग्रो होता है इस लाइक करने से, ये कि आपकी वीडियो जो जितने ज़्यादा लाइक आते हैं, लाखों में लाइक आते हैं, तो आपकी वीडियो जो है ज़्यादा ऊपर जाती है। तो बस यही होता है, और जो है जिसको नहीं पसंद आती तो वो डिसलाइक भी कर देते हैं। तो बस यही होता है यहाँ पर YouTube पर जो है हर तरह की वीडियोज़ होती हैं, हर तरह के व्लॉग्स होते हैं। ये मेरे फैमिली व्लॉग्स हैं, मेरी छोटी सी प्यारी सी फैमिली है। आजल जब भी काम करती हूँ मैं यहाँ आकर ये बैठ जाती हूँ, मुझे डर भी लगता है लेकिन फिर भी आजल बैठ जाती है।